सुरक्षित जरिया दिया जाए। पर जल्द ही रतन टाटा समझ गए कि उन्हें एक कार ही बनानी होगी। अब सवाल ये था कि मोटरसाइकिल चालक इसे किस दाम पर खरीदेंगे। 2003 में भारत में सबसे सस्ती कार का दाम भी करीब 2 लाख रुपए था, यानी किसी मोटरसाइकिल से तकरीबन 3 गुना ज्यादा, और वो थी ये कार, मारुति सुजुकी 800। रतन टाटा चाहते थे कि उनकी कार ज्यादा आधुनिक दिखे, लेकिन उसका दाम मोटरसाइकिल के दाम के आसपास ही हो। फाइनेंशियल टाइम्स के एक संवाददाता ने मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि इस कार का दाम कितना होगा, तो मैंने कहा करीब 1 लाख रुपए, और वो बस एकदम से हेडलाइन बन गई। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं अपनी बात से मुकर जाऊं, या फिर मैं इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करूं। तो हमने दूसरा विकल्प चुना। $2100, €1900 और £1300 ये सब बराबर होते हैं 1 लाख के, और यही वजह थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि 1 लाख रुपए में कार दे पाना मुमकिन होगा। सुजुकी मोटर्स के चेयरमैन तो खास तौर पर इस बात पर यकीन नहीं कर सकते थे। मिस्टर सुजुकी ने इस बारे में कुछ रूड कमेंट्स किए, उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है, उन्होंने तो इस आइडिया का मजाक उड़ाया। चुनौतियाँ बहुत बड़ी थी, पर रतन टाटा की हिम्मत भी उतनी ही बुलंद थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार के मुखिया और टाटा मोटर्स के संस्थापक जेआरडी टाटा की सलाह पर रतन टाटा भारत लौट आए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पहले वो टाटा स्टील में एक फर्नेस चलाते थे, और फिर वो पूरे टाटा ग्रुप को ही चलाने लगे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समूह है जिसकी वैल्यू है तकरीबन $100 अरब। भारत में टाटा ग्रुप हर कहीं नजर आता है। टाटा होटेल्स, मॉल्स, कम्युनिकेशंस और सबसे ऊपर टाटा मोटर्स। ये भारत के 3 चोटी के कार निर्माताओं में से एक हैं। ट्रक्स और बसेस बनाने में ये एक वर्ल्ड लीडर हैं, और अब तो ये ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड्स लैंड रोवर और जैगुआर के मालिक भी हैं। लेकिन भारत के सबसे ताकतवर सीईओ के लिए भी इस कार के सपने को साकार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला था। अपने सपने को सच करने के लिए रतन टाटा ने अपनी उम्मीदें गुजरात में सानंद नाम के शहर के नजदीक इसी मकसद से बनाई गई एक मेगा फैक्ट्री पर लगा रखी हैं। 450 हेक्टेयर के विशाल कॉम्प्लेक्स में बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स सड़कों और स्काई ब्रिजेस के जरिए आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ काम करने वाले 2300 लोग इस जगह पर ज्यादातर बसों से या फिर अपनी भरोसेमंद मोटरसाइकिल से आते हैं। इस फैक्ट्री में 5 मेन सेक्शंस हैं। इंजन और ट्रांसमिशन की असेंबली पावर ट्रेन बिल्डिंग में होती है। शीट मेटल को प्रेस शॉप में पैनल्स में ढाला जाता है। वेल्ड शॉप पैनल्स को बॉडी की शक्ल देती है, जो एक स्काई ब्रिज के जरिए पेंट शॉप में पहुंचा दी जाती है। सभी पार्ट्स को ट्रिम, चैसी एंड फिनिश यानी TCF शॉप में जोड़ दिया जाता है। अपनी पूरी क्षमता से काम करने पर यह फैक्ट्री 1 साल में 3,50,000 नैनोस का उत्पादन कर सकती है। यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेशन के साथ साथ 130 से भी ज्यादा रोबोट्स हैं, यानी बिल्कुल जापान के अंदाज में। लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए टाटा ग्रुप को गाँव वालों की वर्कफोर्स को ट्रेन भी करना होगा। ये उन कई चैलेंजेस में से सिर्फ एक है जिनका इस टीम को सामना करना होगा। ये लोग कार को डीकंस्ट्रक्ट करके इसे दोबारा जोड़ने वाले थे, कम पुर्जों के साथ और आधी लागत में। इन्हें हर चीज की लागत घटानी थी, डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक। पर फिर भी ये एक ऐसी कार होनी चाहिए थी जिसे लोग पसंद करते। ये एक बड़ी चुनौती थी। सुरक्षा, खूबसूरती, ईंधन की कम खपत और हैंडलिंग, इन सभी की खासी अहमियत थी। लेकिन अगर इन तमाम खूबियों को पाने के चक्कर में वो बजट से आगे निकल जाते, तो नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार होने का अपना आकर्षण गंवा देती। इसमें कोई हैरानी नहीं कि डिजाइन टीम थोड़ी नर्वस थी। टीम 2003 में मिस्टर टाटा के साथ मीटिंग करके वापस आई, और शुरू में वो खासी कंफ्यूज्ड थी। इस बात को लेकर काफी शक शुबा था कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे या नहीं। ये वाकई एक चुनौती थी, क्योंकि इतने कम दाम में कार हमने नहीं सुनी थी।
ये काम इतना चैलेंजिंग था कि मैंने कहा हो सकता है हम ये काम कर लें, पर ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट होगा। अगर टीम इस कोशिश में कामयाब हो जाती तो वो एक इतिहास रच देती। नैनो को एक पीपल्स कार होना था, मॉडल टी फोर्ड का भारतीय जवाब। जब हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी इंट्रोड्यूस किया था तो $850 के दाम ने इसे लाखों अमरीकियों की पहुंच में ला दिया था। आज के हिसाब से यह कीमत होती है $21,000। फोक्सवैगन जर्मनी की पीपल्स कार थी और आज के हिसाब से इसका दाम था तकरीबन $11,000। लेकिन नैनो को तो इसके सिर्फ एक चौथाई दाम पर ही आना था। कल्पना, इसमें 20,000 लोग काम करते हैं, लेकिन इनमें से शायद ही किसी को पता था कि इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर में क्या कुछ हो रहा है। X3 के कोड नेम वाला ये प्रोजेक्ट इतना पोशीदा था कि एक खास ग्रुप ही इसकी मौजूदगी के बारे में जानता था। जब शुरुआती झटके का असर थोड़ा कम हुआ तो इन लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगे। टीम ने शुरू में कई सारे कॉन्सेप्ट्स पर काम किया कि इस कार को कैसे बनाया जाए, क्या इस कार में दरवाजे होने चाहिए, क्या इस कार को प्लास्टिक से बनाया जाए। हमारे दिमाग में कई अजीब अजीब आइडियाज आए, जैसे कि हमें कॉम्पोजिट मटेरियल वगैरह यूज करना चाहिए या फिर कागज वगैरह, यू नो। इसमें 3 पहिए होने चाहिए या फिर 4, इंजन आगे होना चाहिए या पीछे होना चाहिए। इन लोगों के कुछ आइडियाज मिस्टर रतन टाटा के गले नहीं उतरे, जैसे कि दरवाजों के बजाय बार्स का इस्तेमाल ताकि लोग बाहर ना गिर जाएं। ये आइडियाज बहुत ही बेकार थे, ऐसे लगते थे जैसे किसी ने शरीर में से आंखें ही निकाल ली हो और उनकी जगह खाली सॉकेट रह गए हों। इससे मुझे ये लगा कि कोई कस्टमर आधी कार तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। रतन टाटा इस बात पर अड़े हुए थे कि नैनो में 4 दरवाजे होने ही चाहिए, 2 दरवाजे होने से भी लागत काफी घट जाती। पश्चिमी देशों में तो ऐसा ठीक रहता जहां 1 पैसेंजर वाले व्हीकल्स एक आम सी बात है, पर ये भारत है जहां मोटरसाइकिल पर भी 4 लोग सवारी करते हैं, तो वो कार में भी कम से कम इतने लोगों को बिठाने की उम्मीद तो करते ही। साड़ी पहने महिलाओं का 2 दरवाजे वाली कार में बैठना कभी भी एक सही विकल्प नहीं हो सकता था। 4 दरवाजों वाली कार बनाना महंगा सौदा क्यों है? इसका एक कारण यह है कि 1 दरवाजा बनाने के लिए 3 प्रोडक्शन लाइन्स चाहिए, और इस काम की शुरुआत होती है प्रेस शॉप में, जहां रॉ स्टील को पैनल्स में शेप किया जाता है। 1 दरवाजा बनाने के लिए 5 कास्ट आयरन डाइस की जरूरत पड़ती है, इनमें से हर एक का वजन एक हाथी से भी ज्यादा होता है। हाई स्पीड टैंडम प्रेस एक बार में ही पैनल्स के 2 सेट्स बना सकती है। फोकलिफ्ट स्टील की शीट्स को प्रेस में फीड कर देती है, और इनकी रफ्तार ज्यादातर प्रेस शॉप्स में इस्तेमाल होने वाली ओवरहेड क्रेन से तेज होती है। इसके बाद काम शुरू होता है टैंडम प्रेस का। सबसे पहले कार की बेसिक शेप बनाई जानी थी और बाद में उससे एक्स्ट्रा पार्ट्स को हटाया जाना था। इसके बाद बारी आती है ट्रिमिंग की, फ्लैंजिंग, पियर्सिंग और अन्य प्रोसेसेस की। 1 मिनट में हम ज्यादा से ज्यादा 14 पैनल बना सकते थे। तैयार पैनल्स की जांच हाथ से की जाती है ताकि अगर उनमें मामूली खामियां हो तो उनका पता चल सके। इस टेस्ट में पास होने वाले पैनल्स को ही हैमिंग लाइन में भेजा जाता है, जहां दरवाजे के अंदरूनी और बाहरी पैनल्स को एक साथ जोड़ा जाता है। ये काम 2 रोबोट्स करते हैं और इन्हें फीड करने का काम करते हैं इंसान। सबसे पहले एक रोबोट पैनल्स के बीच शोर को जज्ब करने वाला एक फोम लगाता है। ये उन्हें एक साथ दबा देता है और उसके बाद पैनल्स को फोल्ड या हेम कर देता है। रोबोट से लागत में कमी आती है, पर नैनो के दाम को 1 लाख रुपए रखने की शुरुआत होती है डिजाइन फेज से।
लागत के बावजूद टीम चार दरवाजों का इंतजाम कर पाने में कामयाब रही। अब उनका ध्यान गया कार के दिल की तरफ, यानी इंजन। अब दो अहम फैसले लिए जाने थे, इंजन कितना बड़ा होना चाहिए और इंजन आगे लगाया जाए या फिर पीछे। जिन कारों में इंजन पीछे लगा होता है वो आम कारों से अलग दिखाई देती हैं, पर कॉम्पैक्ट कार्स के डिजाइनर्स के लिए इनमें एक बड़ा फायदा होता है, इनमें ज्यादा लोगों के लिए जगह होती है। ये दरअसल मेरा सपना था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर चार लोगों के बैठने लायक इतनी कॉम्पैक्ट कार बनानी है तो ये तभी मुमकिन हो सकता है अगर आप इंजन पीछे लगाएं। ये असल में फोक्सवैगन वाला मामला ही था। पर ओरिजिनल बीटल का इंजन जहां पिछली सीट के पीछे था, वहीं नैनो का इंजन सीट के नीचे था। इसका मतलब था कि छत ऊंची बनानी होगी। इससे एक और फायदा हुआ, कार की ऊंचाई अगर कम हो तो उसमें बैठने में दिक्कत होती है, खासकर भारत में अलग तरह की ड्रेस या साड़ी की वजह से। पर इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हुए थे, जैसे कि इंजन कंपार्टमेंट को ठंडा रखना। हमें कूलिंग की समस्या को भी हल करना था, अंदर मौजूद इंजन से गर्मी पैदा हो रही थी। कई कोशिशों के बाद टीम ने पिछले दरवाजों के पीछे एयर स्कूप्स लगा दिए। इसमें इंजन क्योंकि पीछे है तो इन होल्स के जरिए हवा आने से कूलिंग बढ़िया रहेगी। बिल्कुल सही, और ये क्वार्टर भी काफी बढ़िया है। ये साफ सुथरी, स्पॉटी और बढ़िया होनी चाहिए। इंजन को डिजाइन करना ही टाटा ग्रुप के जाने माने इंजन डिजाइनर नरेंद्र जैन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लागत कम रखने के लिए सिर्फ दो सिलेंडर रखने का ही फैसला किया। जहां तक मुझे याद पड़ता है, दो सिलेंडर इंजन को लगाना 1970 के दशक में ही बंद कर दिया गया था। दो सिलेंडर वाले इंजन में एक बड़ी कमी होती है, ये अनबैलेंस्ड रहता है और जोर से हिलता भी है। इस इंजन में दो सिलेंडर होते हैं, दोनों पिस्टन्स एक ही समय ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। अगर आप देखें तो इसके दो काउंटर होते हैं जो पिस्टन के मास को और काउंटिंग रॉड को बैलेंस करते हैं और उसे ऊपर मूव करते हैं। ऊपर नीचे हो रहे पिस्टन्स के वजन को क्रैंकशाफ्ट से लगे वजन से बैलेंस किया जाता है। जब पिस्टन ऊपर जाते हैं तो क्रैंकशाफ्ट का वजन नीचे आ जाता है, जिससे वर्टिकल मूवमेंट को बैलेंस कर लिया जाता है। लेकिन क्रैंकशाफ्ट के वेट सिर्फ ऊपर नीचे ही नहीं आते जाते, वो घूमते भी हैं। इसका मतलब यह है कि क्रैंकशाफ्ट भी अब अपनी हॉरिजॉन्टल शेकिंग पैदा करने लगती है। इसका सामना करने के लिए नरेंद्र जैन ने एक अकेली बैलेंस शाफ्ट डिजाइन की। ये वेटेड शाफ्ट क्रैंकशाफ्ट से उल्टी दिशा में घूमती है, जिससे ज्यादा हॉरिजॉन्टल शेक खत्म हो जाता है। दो शाफ्ट्स के बजाय इस शेकिंग को एक शाफ्ट से ही बैलेंस करने का मतलब था लागत में और कमी। लेकिन क्या इससे कार को ताकत मिल पाती? ये पता लगाने के लिए उन्होंने इसे एक फ्रेम पर लगाया, जिसे तकनीकी भाषा में म्यूल कहते हैं। म्यूल दरअसल एक बहुत ही शुरुआती स्यूडो प्रोटोटाइप होता है। इससे ये जानने की कोशिश की जाती है कि ये महसूस कैसा होता है। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि ड्राइव करने पर कार कैसी फील होती है, जब आप इसे टर्न करते हैं, जब आप इंजन को पुश करते हैं। प्रोजेक्ट X3 पर दो साल तक काम करने के बाद नतीजा म्यूल की शक्ल में सामने आया। मिस्टर टाटा को इसे दिखाने वाला पल बेहद अहम था। मैंने म्यूल्स को कई बार चलाकर देखा, पहली कोशिश तो निराशाजनक थी। म्यूल में ताकत बेहद कम थी। तो उन्होंने इसे ड्राइव किया लेकिन बहुत इंप्रेस नहीं हुए। हम लोग वहीं थे, हम टेस्ट ट्रैक पर उनका रिएक्शन सुनने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन उनके साथ जो लोग कार में थे उनका कहना था कि वो इसे चलाकर कोई खास थ्रिल्ड नहीं थे। अब वक्त था एक नई सोच वाले शख्स को लाने का। ये थे गिरीश वाघ। उन्होंने हाल ही में एस नाम के एक लाइट ट्रक को कामयाबी से डिवेलप किया था। दो सिलेंडर वाला एस फौरन हिट हो गया, लेकिन क्या वो नैनो को भी ऐसी ही कामयाबी दिला सकते थे? पहली प्राथमिकता थी इंजन की समस्या को हल करना। हमने इंजन की कैपेसिटी बढ़ा दी और यकीन मानिए कि 9 से 10 महीने का वक्त लग जाता है इस तरह का काम करने में। फिर हमने इसे प्रोटोटाइप पर लगाया। ये काफी रिफाइंड हो गया था और अब इसकी आवाज चार पहियों वाली किसी मोटरसाइकिल जैसी नहीं थी। फिर वो आए, उन्होंने व्हीकल को चलाया और वो कहने लगे, मुझे लगता है कि ड्राइविंग के लिहाज से अब हम कामयाब हो गए हैं। तो ये छोटा सा इंजन पावर ट्रेन शॉप में असेंबल किया जाने लगा। पुरुष, महिलाएं और मशीनें एक साथ काम करते हुए क्रैंकशाफ्ट से लेकर इंजन ब्लॉक तक बनाने लगे।
35 हॉर्स पावर के इंजन की फाइनल असेंबली हाथ से ही की जाती है। माहिर वर्कर्स इस मामूली ताकत वाले और छोटे पावर प्लांट को 4-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में लगाने लगे। इससे नैनो की एवरेज 1 लीटर में 24 किलोमीटर मिलने वाली थी, जिससे ये भारत में पेट्रोल की सबसे कम खपत वाली कार बन जाती। ऐसी सस्ती कार बनाने का कोई फायदा नहीं था जिसे चलाना कम खर्चीला ना हो। इसका इंजन भी पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली उन कारों और मोटरसाइकिलों से कहीं साफ था जिनकी जगह ये लेने वाली थी। इधर पावर ट्रेन असेंबल की जा रही थी और उधर वेल्ड शॉप में एक बॉडी का जन्म हो रहा था। वेल्ड शॉप में 11 बॉडी पैनल्स को वेल्डिंग के जरिए जोड़कर स्टील की एक यूनिबॉडी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ज्यादातर कार्स इसी तरह बनाई जाती हैं, लेकिन स्टील टीम नैनो की पहली पसंद नहीं था। फिर प्लास्टिक्स का ख्याल आया। शुरुआत के वक्त हमने सोचा कि हम शीट मेटल की बजाय प्लास्टिक बॉडी बनाएंगे, बस आइडिया था इसका वजन कम रखना। पता ये चला कि अगर हम प्लास्टिक का चुनाव करते तो लागत के नजरिए से हम फायदे में नहीं नुकसान में रहते, और शायद भारत प्लास्टिक कार्स के हिसाब से सही जगह थी भी नहीं। भारतीय ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से, डेंटेबिलिटी के हिसाब से शीट मेटल ही बेहतर है। अगर कोई डेंट पड़ भी जाए तो आप इसे बहुत जल्दी निकलवा सकते हैं, आपको पूरा पैनल बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टील को ही चुना गया। इस अत्याधुनिक मेगा फैक्ट्री में 130 रोबोट्स पूरी कार्य कुशलता से इसे वेल्ड करने में जुट गए। लेकिन रतन टाटा द्वारा 1 लाख की कार देने की घोषणा के समय से अब तक, यानी उत्पादन की शुरुआत तक, चीजों के दामों में तकरीबन 40% का इजाफा हो चुका था। मेरे मन में सबसे बड़ा डर ये था कि क्योंकि हमने कन्वेंशनल प्रोसेस को इस्तेमाल करने की सोची थी, तो जो दाम हम सोच रहे थे उस पर कार देना मुश्किल हो सकता था। लेकिन रतन टाटा के लिए वादे की बहुत अहमियत थी और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी उनके इंजीनियर्स पर, तो वो इसे कैसे करने वाले थे? जहाँ तक मेरा तजुर्बा था, ये काम आसान बिल्कुल भी नहीं था। हमें कार के हर हिस्से पर काम करना था और ये देखना था कि हम इस हिस्से की लागत कैसे घटा सकते हैं, या कुछ हिस्सों को कैसे हटा सकते हैं, फंक्शनैलिटीज को कैसे कंबाइन कर सकते हैं ताकि पार्ट्स की तादाद कम हो जाए। उन्होंने इस मिनिमलिस्ट अप्रोच को नाम दिया गांधियन इंजीनियरिंग। उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाया। ये एक फ्यूल पंप यूनिट है, इसे फ्यूल टैंक में लगाया जाता है। इसमें 5 बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं, एक है फ्यूल पंप, एक है प्रेशर रेगुलेटर, रोल ओवर वाल्व, एक फ्यूल लेवल सेंसर, और ये है वो फ्लैंज जो हर चीज को होल्ड करके उसे फ्यूल टैंक पर लगाती है। इस पूरी यूनिट का दाम घटाने के लिए उन्होंने सप्लायर से हर पुर्जे की लागत घटाने के लिए कहा। उन्होंने एक मोटर बाइक का पंप लगाने की बात कही, क्योंकि हमारा इंजन बहुत ही छोटा है, 2 सिलेंडर 624 cc इंजन, यानी इतनी कैपेसिटी काफी थी। अपनी तमाम क्लेवर इंजीनियरिंग के साथ साथ डिजाइनर्स को सबसे ज्यादा गर्व था नैनो के लुक्स पर। इसके लैंप्स आंखों की तरह हैं। ऐसा लगता है जैसे मुस्कुरा रही हो। मुझे बड़ी लैंप का आइडिया पसंद आया, क्योंकि कार में कुछ ऐसा एलिमेंट तो होना ही चाहिए जो कि लोगों का दिल जीते और कार का खास कैरेक्टर दिखाए। बिल्कुल। अगर ऐसा न होता तो हम प्लेन सर्फेस वगैरह से ही काम चलाते। हॉरिजॉन्टल लैंप्स और एक कर्व्ड बोनेट से नैनो को जैसे एक इंसानी चेहरा मिल गया। टीम को यकीन हो गया कि वो एक दिल जीतने वाली कार बना रही है। हमें एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट की जरूरत है, एक सिंगुलर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट की। लेकिन मिस्टर टाटा एक और बदलाव चाहते थे। ये हमारे फाइनल डिजाइन के 1 हफ्ता बाद की बात है। उन्होंने कार को देखा और कहा कि कार की नोज कार की पूरी लंबाई के मुकाबले अचानक ही नीचे की तरफ नजर आ रही है, ऐसे में ये कार दबी हुई नाग जैसी दिखती। वो इस अगले हिस्से को 100 मिलीमीटर और लंबा चाहते थे। इसके अलावा वो पहियों को भी कार के एकदम कोनों पर ही लगाना चाहते थे ताकि पैसेंजर्स के लिए ज्यादा जगह रहे। ये कार इतनी छोटी थी कि हमें इसकी शेप बढ़िया बनाने में काफी दिक्कत हो रही थी, तो इस एक्सटेंशन से पैकेजिंग, स्टेबिलिटी और स्टाइलिंग में काफी सुधार आया। लेकिन इन बदलावों का मतलब था पूरी टीम पर दबाव। हम जैसे एक दिन में 48 घंटे काम कर रहे थे, मतलब हमें काफी मेहनत करनी पड़ रही थी, और जब उन्होंने इसे देखा तो वो काफी खुश हुए, और शायद 2 हफ्ते बाद कार का कॉन्सेप्ट फाइनल हो गया। इससे पहले कि इस प्रोटोटाइप को आम लोगों के सामने लाया जाता, इसे भारतीय सड़कों पर कई कड़े परीक्षणों पर खरा उतरना था।
इसे शहरों की तंग सड़कों पर सकरे मोड़ काटने थे। इसे किसी भी आम भारतीय सड़क जैसे ही टॉर्चर ट्रैक का सामना करना था। 30 सेंटीमीटर की गहराई वाला एक वाटर ट्रॉफ मॉनसून की बारिश का एहसास कराने वाला था। लोग तो अपनी नैनो को हिमालय की पहाड़ियों पर भी ले जा सकते थे, इसलिए इसे तीखी चढ़ाई पर भी टेस्ट किया गया। साथ ही इसे 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में भी परखा और जांचा गया था। कल्पना उन्हीं की कार दिखाने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी यादगार मौके पर आप हमारे साथ हैं, उसके लिए शुक्रिया। दिल्ली ऑटो एक्सपो में रतन टाटा की होलोग्राफिक इमेज यहां मौजूद लोगों का जोश बढ़ा रही थी, जबकि खुद रतन टाटा स्टेज के पीछे घबराए हुए इंतजार कर रहे थे। अगर आप मुझसे किसी ऐसे पल के बारे में पूछें जब मुझे डर लगा हो, तो यही वो पल था। मैं पर्दे के पीछे बैठा उन तमाम बातों के बारे में सोच रहा था जो गड़बड़ा सकती थी। फिर जब मैं एक अंधेरे हॉल में से एक कार को चलाकर बाहर लाया, तो वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और वो तालियां बजा रहे थे। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। चारों तरफ कैमरे की फ्लैश थी। मैंने जिंदगी में कभी ऐसे माहौल का सामना नहीं किया था और शायद फिर कभी करूंगा भी नहीं। अब रतन टाटा को चिंता करने की जरूरत नहीं थी, उनकी नैनो हिट हो गई थी। उद्घाटन के समय लोगों का रिएक्शन मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर था। वहां पर सैकड़ों कैमरामैन और प्रेस के सैकड़ों लोग मौजूद थे। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी, लोग तालियां बजा रहे थे और मैं नहीं जानता कि लोगों को क्या कुछ देखने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने नैनो देखने की उम्मीद तो नहीं की थी। मैं कंपनी की तरफ से अपनी टीम का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। ये मौका वाकई बहुत खास था। ये टीम के सभी सदस्यों के लिए गौरव का पल था। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसका मजा मैं अपनी पूरी जिंदगी लेता रहूंगा। मुझे याद है मेरे पीछे खड़े कुछ साथियों की आंखों में आंसू भर आए थे। ये बहुत ही शानदार एहसास था, इसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। और तमाम मुश्किलों के बावजूद टीम ने कार के दाम का वादा भी निभाया। कार का डीलर प्राइस 1 लाख ही होगा, क्योंकि वादा तो आखिर वादा ही होता है। इधर फैक्ट्री में अब वक्त था प्रोडक्शन लाइन की रफ्तार को बढ़ाने का। पहला चरण था पेंटिंग। वेल्ड शॉप से पेंट शॉप तक का छोटा सा रास्ता एक स्काई ब्रिज के जरिए तय किया जाता था। इंडस्ट्री कार के बिना पेंट हुए किसी फ्रेम को बॉडी इन व्हाइट या BIW कहती है। इसके दरवाजों और बॉनेट को खोल दिया जाता है ताकि पेंट हर कहीं पहुंच सके। किसी खामी के लिए BIW की पूरी जांच की जाती है, फिर इसे डीग्रीस करके पेंटिंग के लिए तैयार किया जाता है। जब बॉडीज पेंट शॉप में दाखिल होने के लिए आती हैं, तो उसे प्री वॉशिंग के लिए ले जाया जाता है। प्री वॉशिंग के बाद उन पर फॉस्फेट कोटिंग होती है और फॉस्फेट कोटिंग के बाद बॉडी इलेक्ट्रो कोटिंग के लिए जाती है। प्रोटेक्टिव प्राइमर को इलेक्ट्रिक करंट के जरिए हाल ही में तैयार किए गए मेटल पर कोट कर दिया जाता है। मॉडर्न कार्स में इस कोटिंग की अहमियत बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि कार का पूरा स्ट्रक्चर पतली शीट मेटल से बनता है। इस कारण किसी भी कोरोजन से भारी नुकसान हो सकता है। बॉडी को पूरे 360 डिग्री के कोण पर घुमाने से सारी बॉडी पर कोटिंग सुनिश्चित हो जाती है। इससे ये कोटिंग बॉडी के हर कोने तक पहुंच जाती है। ये कोटिंग सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी हो जाती है। अब ये बॉडीज पेंटिंग के लिए तैयार हैं। एक बार फिर इनकी जांच की जाती है। बॉडी के अंदरूनी हिस्सों पर ट्रेन टेक्नीशियंस पेंट करते हैं, जबकि बाहरी हिस्से पर प्रोग्राम्ड रोबोट्स पेंट करते हैं। इस एनर्जी एफिशिएंट पेंट शॉप में पेंट के तमाम कोट्स को जल्दी जल्दी लगाया जाता है। तमाम कोट्स लगाए जाने के बाद ही बॉडीज को बेकिंग के लिए भेजा जाता है। पेंट शॉप किसी भी कार फैक्ट्री के सबसे महंगे और कीमती हिस्सों में से एक होती है, और टाटा मोटर्स को इसे दूसरी बार बनाना पड़ा।
कंपनी ने पहली पेंट शॉप 2007 में सिंगूर में ओरिजिनल नैनो फैक्ट्री में बनाई थी। पश्चिम बंगाल में तब कम्युनिस्ट सरकार थी। हम पश्चिम बंगाल इसलिए गए क्योंकि हमें ये लगा कि कुछ समय से इंडस्ट्री देश के इस हिस्से में काम नहीं कर रही है। मेरा ये मानना था कि पश्चिम बंगाल की सरकार वाकई राज्य में इंडस्ट्री को वापस लाना चाहती है, तो पूरे यकीन के साथ मैंने बोर्ड को इस राज्य में जाने के लिए राजी कर लिया। लेकिन सरकार ने टाटा ग्रुप को जो जमीन दी थी उसकी मिल्कियत को लेकर स्थानीय किसानों ने विवाद खड़ा कर दिया। ये लोग शुरू से ही निर्माण प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश करने लगे। हमारे काफी लोगों को पीटा गया, सामान चुरा लिया गया, दीवारें तोड़ दी गईं। रतन टाटा ने 2 साल तक इंतजार किया लेकिन फिर हालात बद से बदतर होते गए। एक दौर ऐसा आया जब समस्या अपने चरम पर पहुंच गई थी। फैक्ट्री के गेट के बाहर करीब 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। तब प्लांट का उद्घाटन होने में सिर्फ कुछ ही हफ्ते बाकी थे लेकिन पश्चिम बंगाल में प्रोडक्शन जारी रखना बहुत खतरनाक था। प्लांट को बंद करने का फैसला बहुत ही दुखदायी था, आप इसे समझ सकते हैं। हम लोगों को जो एहसास हुआ मैं उसे बयान नहीं कर सकता। टाटा ग्रुप के लिए ये फैसला लेना बेहद तकलीफ दे रहा लेकिन उन्हें इस पूरे प्लांट को अब भारत के दूसरे छोर पर मौजूद बेहतर माहौल वाले राज्य गुजरात में ले जाना था, जो तकरीबन 2200 किलोमीटर की दूरी पर था। एक प्रोजेक्ट जो पहले ही मुश्किल साबित हो रहा था, अचानक उसकी तादाद 1 से 3 हो गई। एक तो प्रोजेक्ट था सिंगूर से सब कुछ हटाना, दूसरा प्रोजेक्ट था प्लांट को फिर से सानंद में लगाना, और तीसरा प्रोजेक्ट था कुछ कारों की प्रोडक्शन के लिए कोई काम चलाऊ इंतजाम करना। नैनो के पहले ही 2 लाख ऑर्डर आ चुके थे, लिहाजा कुछ नैनोस को टाटा की एक और फैक्ट्री में बनाया जाना था। इस बीच फैक्ट्री हेड रमेश विश्वकर्मा को 30 करोड़ डॉलर लागत की इस नई फैक्ट्री को यहां से हटाना था, और वो भी बहुत तेजी से। मेरे प्रोजेक्ट हेड मिस्टर गिरीश वाघ ने मुझसे पूछा, रमेश जी क्या आप ये 1 साल में कर सकते हैं? तो मैं उस रात मैं बस सोचता रहा कि क्या करूं, कैसे करूं। सवाल वाकई बहुत बड़ा था। रोबोट्स काम के लिए तैयार थे, टेस्ट प्रोडक्शन शुरू हो चुका था, लेकिन उन्हें इस फैक्ट्री को बंद करके इसे फिर से कायम करना था। ये दुनिया का शायद अब तक का सबसे बड़ा रिलोकेशन होता, और जैसे इतना ही काफी नहीं था, ये प्रोजेक्ट अब बहुत ही खतरनाक ढंग से अपने शेड्यूल से पिछड़ गया था। हम थोड़े चिंतित थे क्योंकि ये काम बहुत बड़ा था, हमें सब कुछ हटाना था, शिफ्ट करना था, इंस्टॉल और रिकमीशन करना था, और हमारे पास कुल समय था सिर्फ 1 साल। रमेश विश्वकर्मा को इस फैक्ट्री के सारे सामान को ढोने के लिए 3400 ट्रक की जरूरत पड़ी, और ये ढुलाई भारत की खस्ता हाल सड़कों पर से की जानी थी। एक भी सड़क हादसे से पूरा प्रोजेक्ट पटरी से उतर सकता था। कुछ बहुत बड़े बड़े प्लांट शिफ्ट किए जाने थे लेकिन हमने ये काम पूरी कामयाबी से किया। हमारे न तो कोई पुर्जे खोए, न कोई नुकसान हुआ, जबकि हमने इस सामान को 2250 किलोमीटर की दूरी तय करके सिंगूर से सानंद पहुंचाया, पर क्वालिटी कायम रखी। अब रमेश विश्वकर्मा के सामने एक नई समस्या थी। गुजरात के इस ग्रामीण इलाके में फैक्ट्री में काम करने के लिए गिने चुने माहिर वर्कर ही थे। अब उन्हें सैकड़ों ग्रामीणों को फैक्ट्री में खास तौर पर बनाए गए ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेन करना था। यहाँ दाखिल होने वाले ट्रेनीज की न्यूनतम उम्र थी 18 साल। यहाँ उन्हें बेसिक स्किल्स सिखाने थे, जैसे कि पेंटिंग टेक्निक। इन्हें प्रैक्टिस करने की इजाजत से पहले पानी के साथ सही मूवमेंट सीखना था। इन्हें किसी भी एंगल पर बोल्ट्स को टाइट करना सीखना था। इन्हें सही क्रम में पुर्जों को उठाने और रखने की ट्रेनिंग भी लेनी थी। इसके बाद ही ये लोग एक मिनी प्रोडक्शन लाइन पर नैनो के असेंबलिंग के योग्य बन सकते थे। आध्यात्मिकता से भरपूर इस इलाके में ये लोग तब तक एक बेहतर कार नहीं बना सकते थे जब तक ये खुद एक बेहतर इंसान ना बन जाते। इन्हें रोजाना जिम्मेदारी और नैतिक व्यवहार के सिलसिले में लेसन्स दिए गए। उम्मीद थी कि 5 साल के अंदर ये ट्रेनीज बेहतरीन वर्कर्स बन जाएंगे। इन लोगों ने अभी हाल ही में 2 बड़ी बाधाओं को पार किया था, लेकिन इनका सामना एक और बाधा से भी होने वाला था। नैनो के शुरुआती मॉडल्स में से कुछ कारों में सड़क पर आग लग गई।
ये एक बड़ी बदनामी का सबब बन सकता था। टीम नैनो ने फौरन कदम उठाया और कारों में लगी इस आग की जांच पड़ताल के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम बनाई। हमने कहा कि इन हादसों पर एक सकारात्मक तरीके से नजर डाली जाए और कारों को और सुरक्षित बनाया जाए। हमने हालात की गहराई से जांच की और उनका विश्लेषण किया। हमने ब्रिटेन से कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी इंडिया बुलाया। उन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर डाली और हमें क्लीन चिट देते हुए कहा कि इस कार के डिजाइन में कहीं कोई खामी नहीं है। कुछ मामलों में हमने पाया कि कार के एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ कपड़े का कोई टुकड़ा रख दिया गया था। कस्टमर्स ने कोई एक्सेसरीज लगाने के लिए कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ छेड़खानी की थी, जिसकी वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। इसके जवाब में टीम नैनो ने कार को और भी ज्यादा सेफ बनाया। हमने एग्जॉस्ट सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित बनाया। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी हमने फ्यूज वगैरह के जरिए अतिरिक्त प्रोटेक्शन दिया। हमने नैनो में आग लगने के जिन भी कारणों की पहचान की थी, उनसे बचने के लिए हमने अतिरिक्त प्रोटेक्शन कवर मुहैया करवाया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि फिर कभी कार में आग ना लगे। आग के नियंत्रण में आने के बाद अब वक्त था जश्न मनाने का। जून 2010 में रतन टाटा ने आधिकारिक रूप से अपनी नई मेगा फैक्ट्री का उद्घाटन किया। मेरे लिए आज यहाँ आपके सामने मौजूद होना एक बहुत बड़ा मौका है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम इस कार को भारत की सड़कों और गलियों में देखेंगे, जिससे देश के लोगों को एक निजी ट्रांसपोर्ट हासिल करने का मौका मिलेगा। आखिरकार नैनो का प्रोडक्शन पूरी रफ्तार से होने लगा। प्लांट को घाटे से बचाने के लिए लाखों नैनो कार्स बेचने की जरूरत थी और उसके लिए जरूरत थी अति उन्नत ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी की। हमारे प्लांट में 70% ऑटोमेशन है। हमारे यहाँ 130 रोबोट्स काम करते हैं। बॉडी शॉप में एक बॉडी को सिर्फ 53 सेकंड में बनाया जा सकता है। इसी तरह पेंट शॉप में हम सिर्फ 58 सेकंड में एक बॉडी को पेंट कर सकते हैं। पेंट शॉप से हर एक मिनट में एक बॉडी रवाना हो जाती है, यानी एक साल में 2,50,000 बॉडीज स्काई ब्रिज के जरिए आखिरी वर्कशॉप तक पहुंच जाएंगी। ट्रिम, चैसी और फिनिश, यानी TCF शॉप में तमाम मैकेनिकल पार्ट्स लगाए जाते हैं और फिनिशिंग टच दिए जाते हैं। पेंट की हुई बॉडीज एक मोनोरेल के जरिए यहां पहुंचती हैं। सिर्फ 6 घंटों में ये कार्स अपने पहियों पर चलती हुई इस प्लांट से बाहर निकल जाएंगी। सबसे पहले टेक्नीशियंस कार के नीचे फ्यूल टैंक और वायरिंग हार्नेस लगाते हैं। इसके बाद बारी आती है दरवाजों की, जिन्हें कार की बॉडी के साथ ही पेंट किया गया था। अब उन्हें हटाया जाता है ताकि वर्कर्स आसानी से अंदर पहुंच सकें। बाद में ऑटोमेटेड सिस्टम इन्हें उसी नैनो बॉडी पर लगा देगा जिससे उन्हें उतारा गया था। अब लगाया जा रहा है फ्रंट सस्पेंशन और ये लग गया डैशबोर्ड। अब लग रही हैं सीटें। इसके बाद बारी आती है स्टीयरिंग व्हील की। हालांकि ये सारी चीजें बहुत मामूली लग सकती हैं, लेकिन इस व्हील के पीछे लागत कम करने से जुड़ी एक और कामयाबी छिपी है। कल्पना जा रहा, क्योंकि उनकी वजह से किसी हादसे में गंभीर चोटें लग सकती हैं। लेकिन टाटा के सेफ्टी इंजीनियर्स का मानना है कि सुरक्षा की कीमत पर लागत को घटाना ठीक नहीं है। क्या अब हम कह सकते हैं कि हमें कोलैप्सिबल कॉलम की जरूरत नहीं है? इस सुधरे हुए डिजाइन की बदौलत अब हम कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम के बिना ही काम चला सकते हैं। डिजिटल क्रैश टेस्टिंग के जरिए ये लोग झटपट और कम खर्च में नए आइडियाज को आजमा सकते हैं। इन लोगों ने खोजा कि कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम के बजाय किसी टक्कर को झेलने के लिए कार के अगले हिस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है। नैनो में हमें लागत घटानी थी, तो हमने सोचा कि किसी कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम की बजाय हम बॉडी के हिस्से को ऐसा बना दें, इसमें उस हिस्से को जोड़ दें कि इससे चेस्ट को हाई रेसिस्टेंस बिल्कुल ना झेलनी पड़े। और जब इन लोगों ने असली नैनो को क्रैश किया तो इनकी खोज की पुष्टि हो गई। ये तरकीब थी इंजन को पीछे की तरफ लगाना। देखिए, इससे कार का अगला हिस्सा एकदम खाली हो गया। अब आगे का पूरा खाली हिस्सा क्रैश के लिए उपलब्ध था, तो इस मामले में इंजन को पीछे लगाना दरअसल सेफ्टी टीम के लिए बड़ा बोनस साबित हुआ। एक और बड़ा बोनस ये था कि पीछे लगने वाले इंजन को फैक्ट्री में लगाना बहुत आसान होता है। इन्हें नीचे से फिट किया जा सकता है। इस तरह इंजन और बॉडी का मेल आगे इंजन वाली कारों के मुकाबले ज्यादा आसानी से किया जा सकता है।
इसमें हाइड्रोलिक्स को कनेक्ट करने में भी उतना ही समय लगता है जितना कि पिछली सीट के नीचे इंजन को लगाने में। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। जब नैनो का छोटा सा इंजन पूरी रफ्तार से चलता है तो इससे काफी शोर हो सकता है, और ये शोर बोनेट के नीचे नहीं होता है, ये ड्राइवर के काफी नजदीक यानी पिछली सीट के नीचे होता है। अब पूरे नैनो प्रोजेक्ट के लिए इस शोर को घटाना सबसे बड़ी बाधा बन गया। नैनो एक अनोखी किस्म की कार है जिसमें इंजन पीछे लगा हुआ है और ये पैसेंजर कंपार्टमेंट के ठीक अंदर है। इस साउंड प्रूफ चेंबर में टीम पैसेंजर्स द्वारा झेले जाने वाले शोर और वाइब्रेशन को घटाने के लिए कई तरह के इंजन माउंट्स और साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स को टेस्ट करती है। हर बदलाव के साथ ये लोग पूरी कार में शोर और वाइब्रेशन के लेवल्स को नापते हैं। तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद हमने सारी समस्याओं को हल कर लिया है। फिलहाल कस्टमर्स इस कार से खुश होंगे। ये छोटी भी है, ऊंची भी है, और इसके अंदर कोई शोर भी नहीं है। टीसीएफ शॉप में इन नैनोज की पहली टेस्ट ड्राइव कुछ ही मिनटों में की जाने वाली है। लेकिन इससे पहले कि ऐसा किया जा सके, इन कार्स को पहियों की जरूरत होगी। ये सबसे आखिर में लगाई जाने वाली चीजों में से एक हैं, और कार की तरह ये भी छोटे हैं। ये पहिए डिजाइनर्स और गांधियन इंजीनियर्स के बीच के मुकाबले का आखिरी मोर्चा कहे जा सकते हैं। यहां भी लागत कम करने का एक आखिरी मौका नजर आया। शुरू में व्हील्स ज्यादा छोटे थे, लेकिन हमने टेक्नीशियंस को इनका साइज बढ़ाने के लिए तैयार कर लिया। बेशक इससे लागत थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन कार की स्थिरता और सफर में आराम के लिए उन्होंने थोड़े बड़े व्हील्स लगाने की हमारी बात को मान लिया। लेकिन टेक्नीशियंस लुग नट्स के मामले में जीत गए। कार के पहिए में सिर्फ 3 नट्स हैं। हमने जब शुरू में 4 के बजाय 3 बोल्ट्स लगाने शुरू किए तो हमने शुरुआती गणना की और ये गणना सही निकली। हमने सोचा कि कार की अधिकतम रफ्तार को ध्यान में रखते हुए 3 बोल्ट्स काफी होंगे, और ये बात बिल्कुल सही निकली। सबसे आखिर में हर नैनो में उसके चारों दरवाजे लगा दिए जाते हैं। लोगों की ये कार अब लोगों के लिए तैयार है, तकरीबन। बाहर बारिश रुकी हुई है, लेकिन इसकी वजह से टेस्ट ट्रैक पर मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं। हर नैनो को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और इसके ब्रेक्स की आजमाइश उसी पुराने तरीके से ही की जाती है। फिर टाटा मोटर्स ने बेसब्री से इंतजार कर रहे हजारों कस्टमर्स को नैनो कार्स की डिलीवरी शुरू कर दी। आखिरकार सब कुछ कंपनी के हिसाब से होने लगा। लेकिन अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर रहते हैं तो फिर निकट भविष्य में इसके किसी डीलर की उम्मीद मत रखिए। अभी नैनो को पश्चिम के कड़े सुरक्षा मानकों के मुताबिक बनाने की कोई योजना नहीं है। यूरोप और अमेरिका में टाटा एक दूसरी कार पेश करेगी जो नैनो प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। एक कॉन्सेप्ट कार को पहले ही लोगों के सामने लाया जा चुका है। पिक्सल भविष्य की कार नजर आती है जिसे सिटी ड्राइविंग के लिए बनाया गया है। हमने उस कार में कई नए कॉन्सेप्ट्स शामिल करने की कोशिश की है। हमने नैनो की तरह उसमें इंजन पीछे लगाने की फिलॉसफी कायम रखी है। नैनो को अभी बाजार में आए थोड़ा ही वक्त हुआ है, लेकिन इस दौरान इसने काफी तारीफें हासिल की हैं। टाटा मोटर्स को इसके भविष्य को लेकर काफी यकीन है। मुझे इस बारे में जरा भी शक नहीं कि एक बहुत बड़ा पल इसका इंतजार कर रहा है, भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। ये सफर आसान नहीं रहा है, लेकिन रतन टाटा का सपना धीरे धीरे हकीकत में तब्दील होता जा रहा है।
मेरे दिल में हमेशा टीम की कोशिशों के प्रति सम्मान कायम रहेगा, क्योंकि इस कार को बनाने का असली श्रेय उस टीम को ही जाता है जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया। इस एक्सरसाइज के वही असली हीरो हैं।